Resident doctor at Mumbai's KIM hospital has now committed suicide as per the our third year student Oaks MD from Noble Nagar was found lying unconscious in his room said an officer of Shahibagh police. अगर आप भी MBBS सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए करना चाहते हो तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ डाइंग 4 MBBS से लेके डाइंग इन MBBS तक का सफर। पहले इस बात को समझते हैं एंड इस बात की गहराई में आते हैं कि वाई एवरीवन इज सेइंग MBBS इज टॉक्सिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए। दोनों पर यश पर रैगिंग करने का आरोप है। काल में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का मामला दे दिया मैंने, इस्तीफा दे दिया मैंने, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। डॉक्टर एन ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर वाज बीटन बाय लोकल्स इनसाइड। 25 वर्षीय एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने शुक्रवार को एक छात्रावास की 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तो ये देखने के बाद आपको ये तो लगा ही होगा कि MBBS टॉक्सिक तो है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। इस जर्नी में टॉक्सिसिटी की शुरुआत तब होती है जब आप पहली बार मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं एंड आपका इंटरेक्शन सीनियर से होता है, जहां आपको सीनियर्स को सर मैम या बॉस कह के बुलाने पे फोर्स किया जाता है एंड काफ़ी ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने पे भी आपको मजबूर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज लुक डाउन इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स, मतलब यू आर नेवर सपोज टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर सीनियर्स। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर सीनियर्स, फिर चाहे वो मैस हो या लिफ्ट हो या कोई और जगह, एंड नेवर सिट इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स। मोटा मोटा यार सीनियर्स को फुल रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, डजेंट मैटर कि सीनियर अच्छा है या बुरा है। एंड कुछ कुछ कॉलेज में तो रैगिंग की हदें पार कर दी जाती हैं, जहां आपको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी किसी भी जूनियर को फिजिकली मेंटली हरास करना, अपनी फाइल्स अपने रिकॉर्ड्स जूनियर से लिखवाना टोटली गलत है एंड अनएक्सेप्टेबल है। बट यार सीनियर की रेस्पेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 95% ऑफ सीनियर्स कॉलेज में अच्छे ही होते हैं एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू टू गाइड यू लाइक योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जैसे आप अपनी फैमिली में अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर की रेस्पेक्ट करते हो, उतनी रेस्पेक्ट तो सीनियर्स की कर ही सकते हो। नो डाउट आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे एल्डर हैं, फिर चाहे वो आपसे एक साल ही सीनियर क्यों ना हो। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वाई इंटर्नशिप इज हैक्टिक। तो फिर थोड़ा रिसर्च करने पे एंड जो डॉक्टर्स इंटर्नशिप कर रहे हैं उनसे डिस्कस करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर में होते हैं तो आप एक फिक्स शेड्यूल के अंडर काम कर रहे होते हैं। आप एक फिक्स टाइम पे कॉलेज जाते हैं, फिक्स टाइम पे क्लिनिकल पोस्टिंग्स जाते हैं, फिक्स टाइम पे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं एंड उसके बाद बहुत सारा टाइम बच जाता है जिसमें आप मूवी देखने जा सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट फोर्थ ईयर कम्प्लीट करने के बाद जब आप इंटर्नशिप में एंटर करते हैं तो आपका हॉस्पिटल आने जाने का, खाने का, सोने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, क्योंकि वहाँ होती है आपकी 36 आवर्स की लॉन्ग ड्यूटी एंड उसी के साथ साथ होता आप पे हैवी वर्कलोड, एंड स्पेशली जब आपकी यूनिट का ओपीडी डे होता है, क्योंकि उस दिन आपकी यूनिट में बहुत सारे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। एंड एज ए इंटर्न आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी न्यूली एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनकी केस फाइल्स रेडी करना एंड साथ ही साथ जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनकी रिपोर्ट्स तैयार करना। एंड इन सब के साथ अगर आपके सीनियर्स टॉक्सिक हैं तो कहना ही क्या। वर्किंग आवर्स, हैवी वर्कलोड के साथ साथ आपकी इंटर्नशिप को हैक्टिक बनाने के लिए आपके ऊपर होता है नीट पीजी क्रैक करने का प्रेशर, क्योंकि यार आज के टाइम पे सिर्फ MBBS करने से कुछ नहीं होता, हमें पीजी तो क्रैक करनी ही पड़ती है। तो ये सब मिला के इंटर्नशिप रियली बहुत हैप्टिक हो जाती है। एंड इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक,
रेजिडेंसी मेडिकल जर्नी का सबसे हैक्टिक फेज होता है एंड ये वही फेज होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स के सुसाइड के केस देखे जाते हैं। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको रेजिडेंसी का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब नीट पीजी क्रैक करने के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको जूनियर रेजिडेंट बुलाया जाता है एंड आप JR1, JR2, JR3 कहलाए जाते हैं इन योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। एंड पीजी कंप्लीट करने के बाद आप सीनियर रेजिडेंट बन जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों रेजिडेंसी इतनी टॉक्सिक होती है। एज ए जूनियर रेजिडेंट पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है एंड उसी के साथ साथ 48 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी, हैवी वर्कलोड और सीनियर की टॉक्सिसिटी, ये सब मिला के जो रेजिडेंसी है इसको एक टॉक्सिक बना देते हैं। बट क्वेश्चन अभी भी सेम है कि वाई लॉट ऑफ नंबर ऑफ सुसाइड केस कमिंग रेजिडेंसी, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड हैवी वर्कलोड तो इंटर्नशिप में भी है। तो यार मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटर्नशिप में ऐसे केसेस ज़्यादा सामने क्यों नहीं आते। क्योंकि तो एज ए इंटर्न जब किसी भी डॉक्टर के माइंड में सुसाइड जैसे थॉट आते हैं तो हमेशा उसके बैक ऑफ द माइंड ये थॉट भी आते हैं जो उसने पिछले 4-5 साल मेहनत की है एंड उसे लगता है कि आई क्विट दिस फील्ड नाउ, तो जो मैंने पिछले 4-5 साल मेहनत की थी वो सब बेकार हो जाएगी एंड यही सोच के वो अपने इंटर्नशिप को कंटिन्यू रखता है। बट रेजिडेंसी वाले मामले में केस बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ इंटर्नशिप से ज़्यादा वर्कलोड होता है एंड 48 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी होती है एंड साथ ही साथ सीनियर्स की टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा होती है। एक सर्वे करने के बाद मुझे पता लगा कि जितने भी रेजिडेंट के सुसाइड केस हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड केस सीनियर्स की टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली एक केस देखा ही होगा जिसमें महाराष्ट्र के एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट विद इन द मंथ ऑफ जॉइनिंग रेजिडेंसी डेवलप सेलुलाइटिस इन बोथ ऑफ हिज लेग एंड उस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा कि इन सब के पीछे सीनियर्स की टॉक्सिसिटी एक बड़ा कारण थी क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर थे उन्हें 48 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी के टाइम पे सीनियर्स के द्वारा खड़ा रखा जाता था, उन्हें बैठना अलाउड नहीं था एंड साथ ही साथ उन्हें अनलेस वर्क भी दिया जाता था एंड अगर 48 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी के बाद अगर उन्हें नींद आ जाती तो उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, उनके बाल खींचे जाते थे। एंड ये तो एक केस था, न जाने इतने ऐसे कितने केस हैं जहाँ सीनियर जूनियर डॉक्टर को सीनियर्स के लिए उनके कैंटीन बिल पे करने पड़ते हैं, उनका पूरा काम करना पड़ता है और फिर फिजिकली हरासमेंट होना पड़ता है, वो सब अलग है। तो ये सब मिला के मेनली यही कंक्लूजन बनता है कि जो रेजिडेंसी में जितने भी सुसाइड केस हैं वो मोस्टली सीनियर की टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। तो यार हम इस चीज़ को रोक सकते हैं एंड उसके लिए मेरे आने वाले सभी डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट है कि नेवर बी ए सीनियर दैट यू डोंट लाइक फॉर योर सेल्फ। एंड ये सब सुनने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही रेयर मेडिकल कॉलेज में होती है। डे बाय डे हमारी कंट्री में डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं एंड हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सामने एक ना एक केस आ ही जाता है जिसमें पेशेंट अटेंडर्स डॉक्टर्स को मारते हुए नजर आते हैं। एंड यार मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि जब वही डॉक्टर एक साइड आपके रिलेटिव को बचा लेता है तो आप उसे भगवान मानते हैं एंड वहीं दूसरी साइड अगर वो आपके रिलेटिव को बचाने में असफल होता है तो आप उसे ही पीट देते हैं, ये कहाँ का जस्टिस है यार। यार वो एक डॉक्टर है जो हर एक पेशेंट को बचाने के लिए अपना 100% एफर्ट लगा देता है, फिर चाहे वो पेशेंट गरीब हो, अमीर हो, क्रिमिनल हो या एक कॉमन मैन हो। एंड आप मुझे एक ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर अपने ड्यूटी हार्स खत्म होने के बाद आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। एक डॉक्टर ही है जो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को छोड़ के 24/7 365 डेज के लिए एक पेशेंट की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो। आप कभी भी एक डॉक्टर के पास जाओगे ना, चाहे फिर आधी रात को जाओ, वो डॉक्टर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। बट फिर भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट ये वायलेंस क्यों? एंड इन द एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता,
आई एम हेयर टू जस्ट शेयर द हार्श रियलिटी ऑफ मेडिकल फील्ड विद यू। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो जितनी भी टॉक्सिसिटी चल रही है हम इसको रोक नहीं सकते, हम उसको रोक सकते हैं बींग ए गुड सीनियर, बींग ए गुड कॉमन मैन। तो यार मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि जो मेडिकल फील्ड है ये पैसे कमाने के लिए नहीं है। दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, दिस इज फॉर सर्विंग द पीपल। तो अगर आप MBBS सिर्फ पैसों के लिए करना चाहते हैं तो अभी वक्त है अपने माइंड को चेंज कर लीजिए, क्योंकि पैसे तो किसी और फील्ड में भी कमाए जा सकते हैं।